नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल द नवलगढ़ स्टेशन पे। दोस्तों आज की हमारी ट्रेन जानकारी है नई दिल्ली से लोहिया खास के बीच चलने वाली सरबत दा भला एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नई दिल्ली से लोहिया खास के बीच चलने वाली सरबत दा भला एक्सप्रेस ट्रेन की, जिसका ट्रेन नंबर है 22479। और दोस्तों इस ट्रेन का संचालन उत्तर रेलवे करता है और ये सप्ताह में मंगलवार व शनिवार को छोड़कर बाकी 5 दिन चलने वाली सुपर फास्ट टाइप की एक्सप्रेस ट्रेन है। और दोस्तों यह ट्रेन पहले 12037 नंबर के साथ दिल्ली से लुधियाना के बीच इंटरसिटी के रूप में चला करती थी, जिसे जालंधर होते हुए लोहिया खास तक एक्सटेंड किया गया है। और यह ट्रेन नए नंबर 22479 के साथ नई दिल्ली से लोहिया खास तक चलेगी। और इस ट्रेन को रेल मंत्री पीयूष गोयल व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दोस्तों सुल्तानपुर लोधी में श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा, इसलिए यह ट्रेन नई दिल्ली से सुल्तानपुर लोधी जाने वाले सिख श्रद्धालुओं के लिए खास ट्रेन है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की। तो दोस्तों यह ट्रेन नई दिल्ली से लोहिया खास तक की टोटल डिस्टेंस 438 किलोमीटर को 7 घंटे और 55 मिनट में तय करेगी और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहेगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों इस ट्रेन का नई दिल्ली से लोहिया खास तक 12 स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। बात करें दोस्तों इस ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की, तो इस ट्रेन को तुगलकाबाद लोको सेट का WDP-4D डीजल लोकोमोटिव लेकर जाएगा। दोस्तों बात करें अगर इस ट्रेन में कोचेज की, तो इस ट्रेन में नॉर्मल ICF श्रेणी के कोच होते हैं, जिनमें एक कोच AC चेयर कार का, 6 कोच सेकेंड सीटिंग का और 7 कोच जनरल श्रेणी के और 2 कोच सामान व ब्रेक यान को मिलाकर कुल 16 कोच रहते हैं। और दोस्तों इस ट्रेन का AC चेयर कार का किराया ₹610, सेकेंड सीटिंग का किराया ₹170 और वहीं जनरल श्रेणी का किराया ₹142 रहता है। दोस्तों यह किराया नई दिल्ली से लोहिया खास तक का है और इसमें रिजर्वेशन चार्ज, GST और सुपरफास्ट चार्ज शामिल है, लेकिन फिर भी इस किराए में बदलाव हो सकता है, इसलिए अपडेटेड किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेटेड किराया चेक अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और वहाँ इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों ट्रेन नंबर 22479 नई दिल्ली लोहिया खास के बीच चलने वाली सरबत दा भला सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार व रविवार को सुबह में 7 बजे नई दिल्ली से रवाना होकर यह ट्रेन पहुंचती है सकूर बस्ती 7:28 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 7:30 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुंचती है बहादुरगढ़ 7:48 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 7:50 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है रोहतक जंक्शन, 8:20 पे पहुंचती है और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 8:22 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुंचती है जिंद जंक्शन 9:06 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 9:08 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है नरवाना जंक्शन, 9:33 पे यहां पहुंचती है, 2 मिनट ठहराव के बाद 9:35 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुंचती है टोहना 9:53 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 9:55 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुंचती है संगरूर 10:58 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 11 बजे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुंचती है धूरी जंक्शन 11:17 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 11:19 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुंचती है दोपहर में 12:25 पे लुधियाना जंक्शन और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद 12:35 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों यहां तक ये ट्रेन 329 किलोमीटर की यात्रा कवर कर लेती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुंचती है जलंधर सिटी जंक्शन
दोपहर में 1:35 पे और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद 1:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों जलंधर सिटी से रवाना होकर ये ट्रेन पहुँचती है कपूरथला दोपहर में 2:09 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 2:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने सेकेंड लास्ट स्टॉप है सुल्तानपुर लोधी दोपहर में 2:38 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 2:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है अपने लास्ट स्टॉप है लोहिया खास जंक्शन दोपहर में 2:55 पे और यहाँ तक 438 किलोमीटर की यात्रा कवर कर लेती है। तो दोस्तों ये थी 22479 नई दिल्ली से लोहिया खास के बीच चलने वाली सरबत दा भल्ला सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।